हर जो है साल में आप 5 से 10 बच्चे की माँ बन जाओ, तो ऐसे ही जो है कब तक चलता रहेगा सिलसिला? जब तक जिंदा हूँ। ये तो और भी गर्व गर्व से भी ज्यादा ऊपर की बात है कि मैं 1 70 बच्चों की माँ हूँ। एक बच्चे का खर्चा टाना मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर करने का जज्बा हो तो क्या नहीं कर सकता बंदा। 22 साल हो गए हैं, 7 दिन और 70 बच्चे की, 70 क्या 72 बच्चे की माँ बन चुकी है, तो आपने कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होता है। जब 2002 में जो सुमन जी की शादी हुई थी, उसके बाद आपके कितने बच्चे हुए? चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो है हम भिवानी के अंदर मौजूद है, और जो महिला आप देखने लग रहे हो सुमन जी, तो ये आज के टाइम में जो है माँ काफ़ी अनोखी माँ है, क्योंकि जो है हर साल में जो है 5 से 10 बच्चे की माँ बन जाओ, वो कैसे पॉसिबल है? तुम भी चौंक गए होगे, क्योंकि हर साल में जो है 5 से 10 बच्चे की माँ बन जाओ है, बहुत जो है आश्चर्यजनक बात है। और आश्चर्यजनक बात ये है, लगभग 70 बच्चे की माँ है सुमन जी। और जो है सारी बात पूछेंगे, आज के टाइम में जो है एक बच्चे का खर्चा उठाना जो है भारी बात हो जाओ, लेकिन सुमन जी जो है 70 बच्चे की माँ बन गई है, तो कैसे पॉसिबल है? एक बार तो जी हमारे दर्शकों ने राम 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 राम। न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम और न्यूज हरियाणा टीम का सुमन जी, आप क्या बात है, मुस्करा रहे हो। एक हर साल में 5-5 बच्चों की माँ बन जाओ, और 70 बच्चे जो है आपके पास है। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो मेरी आप लोग देख रहे हो, ये मेरी मुस्कुराहट है। और माँ बनना तो एक महिला के लिए गर्व की बात होती है, और मेरे लिए तो और भी गर्व गर्व से भी ज्यादा ऊपर की बात है कि मैं 1 70 बच्चों की माँ हूँ। फिर भी मतलब चौंक गए होगे भाई तुम भी, क्योंकि जो 70 बच्चे की माँ सुमन जी है, और आज के टाइम में एक बच्चे का खर्चा उठाना इतना मुश्किल है, आप 70 बच्चे। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक बच्चे का खर्चा टाना मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर करने का जज्बा हो तो क्या नहीं कर सकता बंदा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक बात और पूछेंगे कि हमने एक बात जैसे आपकी वीडियो देखी थी कि भाई जब तक जीवेंगे जो है बच्चे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, 70 तक एक दिन जो है 7 हज़ार के टाइम में जो है भाई अपन एक बच्चे का खर्चा उठाना पॉसिबल जो है नहीं हो पाता, जो है उसके खर्चे नहीं उठा पाते, क्योंकि पढ़ाई भी इतनी महंगी, खर्चे भी जो निजी खर्चे है, दैनिक खर्चे जो परिवार के, वो नहीं हो पाते। और सर जी क्या करें जी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जी, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उन्हीं की देन है कि मैं इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की नानी ब्लाइंड थी, तो उन्होंने अपनी नानी को प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा शुरू से ही, तब उनमें इसी फील्ड में उन्होंने स्टडी की। वो ब्रेल लिपि के एक्सपर्ट है, और मैं साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट हूँ। मैंने शादी के बाद अपनी सारी एजुकेशन की है, स्पेशलाइजेशन में मैंने शादी के बाद सारी एजुकेशन की है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड के सहयोग से, उन्हीं का साथ है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। कितने साल हो गए? मेरी शादी 2002 में हुई थी। 2002 में जो सुमन जी की शादी हुई थी, उसके बाद आपके कितने बच्चे हुए? हम लोग जैसे मेरी शादी हुई उस टाइम, ये मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई शादी होने के बाद, तब तो ये गवर्नमेंट जॉब में थे। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरे खुद के एक बेटी और एक बेटा है, मेरी बेटी लो सेकेंड ईयर है, बेटा मेरा 5th क्लास में है। और वो बात है, आप वाली बात है कि अब जो कोई पूछता है ना कि कितने बच्चे हैं, तो एक बार मुंह से यही निकलता है कि 72 बच्चे। भाई 2002 में जो शादी हुई थी सुमन जी की, आज लगभग जो है 20-22 साल हो गए हैं, 7 दिन और 70 बच्चे की, 70 क्या 72 बच्चे की माँ बन चुकी है, तो आपने कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होता है जब इन बच्चों के लिए कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और इन बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल आती है ना कुछ करके, तो ऐसे तब इतना सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, तो उस चीज से बहुत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो है हर महीने जो खर्चे की जो पर्ची बन के जाती होगी, तो मास्टर जी का तो हाथ कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हर मंथ में पूरा भी हाँ ये स्टाफ है, क्योंकि अगर बच्चे बढ़ते हैं तो स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, और भी हर बच्चे की जो देखभाल के लिए कितना आपके पास जो है आपने लेडीज रखी? मेरे पास 4 लेडीज हैं और 2 जेंट्स हैं जी, जो इनकी देखभाल जी, क्योंकि मेरे पास 18 साल तक के बच्चे लड़के भी हैं, तो मुझे उनके लिए जेंट्स की भी जरूरत है। ये जो काफी बड़े बड़े भी हैं? हाँ ये 18 साल तक के हैं ये सारे। हाँ 18 साल तक के बच्चों को लेती हूँ, ज्यादा बड़े बच्चों को नहीं लेती हूँ मैं। ये बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं जो 18 साल तक के हैं, या जो सुन बोल नहीं सकते, जिनको बधिर कहते हैं हम, वो बच्चे हैं, और नेत्रहीन बच्चे भी हैं मेरे पास। अगर मैम जैसे हर जो है साल में आप 5 से 10 बच्चे की माँ बन जाओ, तो ऐसे ही जो है कब तक चलता रहेगा सिलसिला? जब तक जिंदा हूँ। जब तक जिंदा हो। बिल्कुल।
जहाँ बस वही बात है ना, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ इन बच्चों की, वो पहले भी मैंने ये कहा था कि जहाँ ऐसे दिव्यांग बच्चों की जरूरत महसूस होगी हमारी, वहाँ पर सुमन शर्मा और विजय शर्मा दोनों इनके लिए खड़े मिलेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि भाई हर आज के टाइम में जो है कोई गौ माता की सेवा करे, लेकिन जो है इन्होंने एक अनोखी जो है शुरुआत कर रखी, और अभी से शुरुआत नहीं की, 2014 से ये जो है अपनी आस्था स्पेशल स्कूल, आस्था स्पेशल स्कूल के नाम से जो रनिंग में ही है आस्था, और अब तक जो है हाँ हमने 8 ब्लाइंड बच्चे गोद लेकर के उनको गवर्नमेंट जॉब में सेटल कर दिया है। गोद भी ले जी, हमने 8 ब्लाइंड बच्चे गोद लेके आज वो गवर्नमेंट जॉब में सेटल है, अपनी इवन अपनी लाइफ में भी सेटल है, उनकी मैरिज हो चुकी है जी हाँ, और हमारा एक बच्चा अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ब्लाइंड। बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ है सुमन जी की जो बात है, इतनी अच्छी पहल जो अपने हरियाणा के अंदर, मेन चीज भाई अपने हरियाणा के अंदर, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि हर उस शख्स के पास या जो वीडियो पहुंच सके जो है इन चीजा ने देख के जो है निराश है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी जिनके घर में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, इन बच्चों का साथ दीजिए, इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये बच्चे अगर हम ये 70% कोशिश करेंगे ना, तो ये बच्चे 100% रिजल्ट देंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ के जो है सुमन जी जीता जागता जो है उदाहरण आपके सामने पे है भाई। और सुमन जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगे हम आपसे, जो अगर साइन लैंग्वेज में हम जैसे कोई भी बंदा हम उससे ये पूछें कि भाई कैसा तू, तो आप मतलब तो आप उस कैसे जी मैं आपको बताती हूँ साइन लैंग्वेज में कैसे पूछेंगे किसी, आप कैसे हो। साइन लैंग्वेज में अगर बात करें तो कि आप कैसे हालचाल पूछने की अगर बात करें तो सुमन जी ने जो है वो बता दिया, तो ये भाई इनका खर्चा जैसे भाई अपना स्टाफ कितना है। मेरे पास 6 का स्टाफ है सारा। इनकी सैलरी, इनकी सैलरी मेरे हस्बैंड के निजी संसाधनों से ही जाती है, जैसे खेती वगैरह का है कुछ इस तरीके से निजी संसाधन, अपनी सैलरी है जो अपना जो आय का साधन है भाई उसी से कुछ एक थोड़ा बहुत जैसे समाज का सहयोग रहता है। बिल्कुल, और मेरी तो यही अपील रहेगी कि भाई समाज भी ऐसे बच्चों को सहयोग करे, ना कि उस इन बच्चों को हीन भावना से ना देखे, दया की दृष्टि से ना देखे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम एक बात और पूछेंगे, जो अपने समाज में है एक कहावत है कि भाई जो इस टाइप के बच्चे हों जो उनमें एक जो है गुण ज्यादा हो, बिल्कुल 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 है मेरे पास खुद है। आप जैसे ब्लाइंड बच्चे ले लीजिए आप, अगर हमें कुछ चीज नीचे गिर जाएगी नहीं सुनाई देगी, इनको अगर सुई भी गिर गई ना तो फट से बता देंगे कि कुछ गिरा है नीचे, बिल्कुल कुछ गिरा है। और इनकी आवाज़ सुनिए आप, इतनी अच्छी है। अब हमारे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे भी देखना आप, केसियो प्ले करते हैं, और वो केसियो सिर्फ मैंने खुद यूट्यूब पे देख करके, इस मैंने और मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे देखा था और इन बच्चों को, इस बच्चे को बताया था, 1 वीक में इस बच्चे ने इतना अच्छा पकड़ा कि अब बिल्कुल अपने आप पूरा केसियो कंडक्ट करता है, जो धुन कहोगे निकालेगा, जो गाना कहोगे वो निकालेगा। तो बुला सकते हो जी? बिल्कुल बुला सकती हूँ जी। तो भाई जो है एक लड़का है इनका, और जो आपका होनार जो बच्चा है एक बार उसको और बुला दो, जो आपका फेवरेट है जी। वो आ रहा है, और एक हमारा बच्चा गेम के लिए गया हुआ है, जो होनार बच्चा, जो मेरा गोल्ड सॉरी डिस्कस में भी गोल्ड मेडल है और शॉट पुट में भी गोल्ड मेडल है नेशनल में। और बहुत अच्छी बात है जो है यहाँ के जो आगे तक बच्चे जान लाग रहे हैं, 15,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल है मेरा बच्चा, सिवानी से आता है मेरे पास, वो आज थोड़ा सा अपलेट हो गया। 15,000 जी, 15,000 मीटर रेस में स्टेट में गोल्ड मेडल, स्टेट में गोल्ड मेडल है 15,000 किलोमीटर की। क्या नाम है इसका? इस शुभम, शुभम आगे आ जाओ, शुभम नाम है ये। शुभम नाम है, नमस्ते सर। नमस्ते, कितने साल का हो गया? मैं 18 भाई। एक बार लड़के ने देख सको, शुभम ने जो है देख नहीं सकता सुभम। जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल टोटली ब्लाइंड। अच्छा, एक बार कैमरामैन दिखा दे जो शुभम ने है, बिल्कुल देख नहीं सकता, लेकिन मैम का दावा करना है कि ये किसी भी प्रकार की धुन निकाल सके। बिल्कुल, तो आप इसको बोलो किसी भी प्रकार की धुन निकाल। हाँ बिल्कुल, केसियो पे प्ले करेगा, केसियो पे बजाएगा, केसियो है मेरे पास। हाँ केसियो पे क्या क्या कर सकता है? ये जूडो का है, खिलाड़ी है, जूडो का, जूडो खेलता है ये, स्टेट तक खेल चुका है, स्टेट में ये सिल्वर मेडल मिला है इसको, जूडो का है ये भाई। काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो है जो लड़का शुभम, कितनी आयु है इसकी? 18 साल है। 18 साल है, ये देख नहीं सकता, लेकिन जूडो का खिलाड़ी भी है, और प्लस टू का जो मैम के पास जो है पढ़ाई करने लग रहा है, जूडो का खिलाड़ी है,
और क्या क्या कर सकता है ये ब्रेल लिखता है, ब्रेलर को चला लेता है, ब्रेलर है हमारे पास, आप दिखाना। जैसे शुभम की तरह जो और भी बच्चे हैं या उनकी फैमिली है इस वीडियो को देखती हूँ, तो आप उनसे क्या कहना चाहूंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को कम मत समझे, उसकी काबिलियत को पहचाने। जो वो लोग ये सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा देख नहीं सकता, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता, हमारे दो आंखें नहीं है, हमारे चार आंखें हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, हम इस धरती पर जो कार्य भगवान ने जो कर रखा है, जो भगवान करता है, हम वो सब कुछ हम कर सकते हैं। सुबह में जो है सुमन मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं जब छोटा सा था, 4-5 साल का था, मैं तब से मेरी मैम के पास हूँ और मैं इनको मेरी मैम के उससे नहीं देखता, मैं मेरी माँ के नज़रिए से इनके साथ हमेशा रहता हूँ और मैं स्टार्टिंग से ही इनके पास हूँ। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ वो भी मैं इनकी वजह से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी शुरुआत इन्होंने ही की थी मेरे जीवन की, नहीं तो क्या पता आज मैं भी घर पर बैठा होता। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जो ये अगर जिसके माता पिता ऐसे जैसे भाई शुभम है, इस टाइप का लड़का, इस तरह के जो है संतान घर में हो जाओ है, तो बिल्कुल निराश मत हो अगर उनका जो है, क्योंकि इनके पास जो है भगवान ने दी और जो है अलग थे, एक जो अलग है चमत्कार इनके पास हो है इस, तो बिल्कुल शुभम ने देख सको, इसने खुद ये बात बोली है कि भाई निराश मत हो। तो शुभम अगर हमने कहीं जैसे चलना हो तो आप वैसे कैसे पॉसिबल करते हो, जैसे चलने का कैसे करते हो? चलने के लिए हम चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। वैसे तो डंडी का प्रयोग, तो वैसे वो डंडी तो नहीं होती, वो छड़ी होती है, एक जो स्मार्ट केन होती है वो हमारे पास है, वो वाइब्रेट करती है, सामने से कुछ आएगा 4 मीटर 2 मीटर और 8 मीटर तक का वो कैच करती है। लेकिन मैं तो क्या है कि उसके बगैर ही चलता हूँ, कहीं पर मुझे जाना होता है तो मैं उसका सहारा ले, लेकिन वो ये है कि हाँ वो जब पास में कोई गड्ढा वगैरह आता है तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई आगे, पहले तो वही ऐसे करके वही आगे लगेगी। किसी अननोन, अब जैसे स्कूल और मेरे घर का एरिया इनको अच्छे तरीके से पता है, तो ये यहाँ पे छड़ी का प्रयोग नहीं करते, कैन का प्रयोग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ एक बार जाने के लिए बोली हूँ। हाँ शुभम जाइए बेटा, आप क्लास में जो है जहाँ बैठे थे वही जाइए जी। एक बार दिखा दे कैमरामैन जो है इस लड़के ने, शुभम ने बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो स्कूल में हो बिना कुछ देखे जो है अपने स्थान पर चला जा है मैम के बोलने से, ऑफिस में भी आ जावा जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। बल्कि इवन जब ये हमारे आंटी लॉक वगैरह करती है, मैं नहीं होती हूँ तो आंटी पीछे से लॉक करती है, तो लॉक को भी खींच खींच के देखेगा कि सही से बंद किया है आंटी आपने। हाँ आप इसको कहोगे कि लॉक, ये स्कूटी तक चलाता है शुभम, बिल्कुल इसको मैं गाइड देती हूँ, मैं जैसे सामने खड़ी हो जाती हूँ, इसको बोलती हूँ ले आ शुभम, तो क्या डरना, माँ हो के तो क्या देना, मौत है आनी है, आएगी जब आएगी। बिल्कुल। और एक ऐसा एक बात बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब स्टार्ट की है जी, वो इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, और ये ब्लाइंड बच्चे उस कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। नहीं बहुत अच्छी बात है, और जो आगे भी ऐसे ही जो नई तकनीक है उनका प्रयोग जो है आपके सहयोग, ऐसे ही अगर सहयोग करोगे तो ऐसे ही जो है सुमन जी है जो आज 70 बच्चा की माँ है, लेकिन अगर आप सहयोग करोगे तो बिल्कुल जो 7,000 का भी रिकॉर्ड जो है जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब ये सुबह ये ब्लाइंड बच्चे हैं, आप एनरोल्ड फोन है इसके पास, अच्छे से कनेक्ट करता है, व्हाट्सअप फेसबुक सब कुछ चलाता है ये, बिल्कुल कभी भी आप देखना चाहो तो फोन है इसके पास, ये उसको करेगा। सुबह माना एक बार फोन है तेरे पास है ये, व्हाट्सएप पे फिर उससे बात करके जी बिल्कुल करता है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी भेजता है, टाइप करके भी भेजता है, टाइप भी करता है, बिल्कुल 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 टाइप। तो कितनी मेहनत लगी? देखो मेहनत तो है, मेहनत है और आपकी ही मेहनत हो, बस बच्चों की मेहनत कहूंगी, बच्चों ने मेहनत की, मैंने तो करवाया, मेहनत बच्चों ने करी, और एक मेहनत और सहन शक्ति दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। सहन शक्ति भी जो है बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, जहाँ पे बौद्धिक अक्षम बच्चे की बात आ जाती है वहाँ पे सबसे पहले सहन शक्ति। एक बार देख लो भाई शुभम था जो है मैम ने फोन लाने के लिए बोला था, फोन ले आया है, और जो है एक व्हाट्सएप पे भी बात कर ले है, एक बार दिखा दे कैमरा मैन पास, एक बार अपना यूट्यूब चैनल निकालो, पूरा जुनून है इस लड़के में भी, और जो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चा ना जो कामयाब करने का जो है संकल्प जो ले रखा मैम ने। तो मैम जो है आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो इस वीडियो ने अगर कोई जो भी, ये तो एक ब्लाइंड बच्चे की बात आ जाती है, हमारे पास सर्वल पालसी की बच्ची भी है, कहते हैं कि सर्वल पालसी का अगर बच्चा होता है तो उसको इतना माइंड नहीं होता, मैं कहती हूँ बिल्कुल होता है, मेरे पास जो मेरी बच्ची है प्रियंका उसको 1000 तक तो टेबल याद है, बिल्कुल सर्बल पालसी की बच्ची है, व्हील चेयर से चल 1000 तक में जी भाई देख सको रे, 1000 तक जो है टेबल याद है, और ऐसी बच्ची है हमारे स्कूल का यूट्यूब चैनल है ये, बिल्कुल भाई बिल्कुल जो है शुभम ने जो है मैम ने बोला था कि भाई अपना जो है आस्था स्पेशल स्कूल का जो चैनल है वो निकाल दे,
तो वही सुबह हमने जो है निकाल दिया भाई, टाइपिंग करके निकाल देख सको बिल्कुल। हाँ, और फोन में टाइपिंग फास्ट हो सकती तो मैं फास्ट करता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के कारण जो है इस फोन में जो टाइपिंग है वो स्लो होती है, और जो वॉइस इनपुट होता है उसके माध्यम से वो लिखा जा सकता है। और जो है ऊपर वाले ते कोई निराशा किसी चीज की नहीं है, देखो हमारी तो किसी चीज की नहीं है, भगवान सब देख सके हैं, आप नहीं देख सकते तो उसका थोड़ा सा नहीं। नहीं देखो, कभी जिंदगी मैंने आज दिन तक कभी ये नहीं सोचा, नहीं जब से मैं मैम के पास हूँ मैंने कभी अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि मैं देख नहीं सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं जो बाइक होती है या साइकिल होती है वो भी मैं चला सकता हूँ। बाइक जो है साइकिल लो मैम वो भी चला सके है, और जो शुभम की आंखें जो है वे सामने देख सको बिल्कुल, सुमन मैम है बिल्कुल, मैं इन बच्चों की आंखें भी हूँ, मैं इन बच्चों के कान भी हूँ, मैं इन बच्चों की हाथ पैर भी हूँ, बिल्कुल सही अच्छी बात है मैम। कौन सा स्टूडेंट जो आपका होनार है या जो साइन लैंग्वेज में आपसे बात कर सके एक बार बुलाने की जो है, एक बार कैमरामैन जो पास से दिखा दो, आ जाओ वहीं आ जाओ मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार देख लो भाई जो बच्चा की स्ट्रेंथ है जो या ये बच्चे आप बिल्कुल देख सको भाई, कम से कम 70 से 80 बच्चे जो है यहाँ पे हैं मैम के पास है, और दिव्यांग बच्चे हैं जो बिल्कुल देख भी नहीं सकते, चल नहीं सकते या फिर और कोई प्रॉब्लम है उन्हें। तो मैम जो है 2014 से जो ये आस्था स्पेशल स्कूल के नाम से संस्था चला रखी है, ये लड़की है या ये लड़की है? ये बच्ची सीपी की बच्ची है, सरबल पालसी की बच्ची है ये, कोरोना में भी घर पे नहीं रुकी थी क्योंकि सब स्कूल्स बंद थे, तो कोरोना में भी ये लड़की घर नहीं रुकी, मुझे तो मैम के पास जाना है बिल्कुल। और फिर आपने? हाँ मेरे घर पे आती थी ये, बिल्कुल पेरेंट्स छोड़ के जाते थे और ये घर पे आती थी। तो साइन लैंग्वेज में मैम किससे बात करो, इससे कीजिए क्या पूछना जो है मैम, जो है साइन लैंग्वेज में आप पे बात करो मैम, आप इससे पूछो कि क्या पूछे इससे। हाँ कौन से या स्कूल का बता देंगे मैम? अच्छा स्कूल का नाम भाई देख सको, साइन लैंग्वेज में मैम ने पूछा है कि कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो गुड़िया बताने लग रही है आस्था स्पेशल स्कूल का जो साइन लैंग्वेज जो है दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग करी जा है, और मैम ने शादी के बाद वो जो है लैंग्वेज सीखी। बिल्कुल मैंने शादी के बाद ही लैंग्वेज काफी टाइम लगा। हाँ ये कोर्स होता है, वो कोर्स किया मैंने, हस्बैंड का सहयोग था, तो बिल्कुल हस्बैंड का साथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का साथ है मेरा। बेटा कितने साल? 12 साल। अच्छा अच्छा, अगर 18 बोला था मैम कैसे बोलेगी? चलो बहुत अच्छी बात है, और इससे क्या कुछ भी पूछिए ये तो बोल सकती है। हाँ ये क्या नाम बेटा? माय नेम इज प्रियंका, पूरा जो इंग्लिश में वर्णन करे इस गुड़िया ने। क्या नाम इसका मैम? प्रियंका। प्रियंका नाम है। प्रियंका मैम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैम बहुत हंसती है, मेरे गांव में मुझे कोई बुलाए गांव में कोई नहीं बोला मुझे, मेरे गांव में मुझे कोई नहीं बुलाता था। अच्छा, आने लगी। आप कितने साल के हो बेटा? मैं 70 साल की होगी। प्रियंका जो है और मैम के बारे में बताया कि गांव में जो है कोई नहीं बुलाते थे, लेकिन जो मैम ने सहयोग किया और आज जो है कौन सी क्लास में? मैं टेंथ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा टेंथ की प्रिपरेशन कर रही है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, और वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो। और तो मैम जो हमारे दर्शक आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? आपके दर्शकों से, हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वालों से, सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जहाँ भी दिखते हैं आप उनको हीन भावना की दृष्टि से ना देखिए, उनकी हेल्प कीजिए, ना कि ऐसे की दया कोई, ऐसे बहुत हैं ब्लाइंड बच्चे आजकल आते हैं, ब्लाइंडों के नाम पे बहुत चला हुआ है, कोई ऐसे मांगने आता है ब्लाइंड, तो उन्हें ना दीजिए कृपया करके, आपसे विनती है, उनकी और तरीके से हेल्प कर सकते हैं पर इस तरीके से ना दीजिए। बिल्कुल भाई, फिजिकली जाके वहाँ पे बिल्कुल वो कर सकते हैं, इनको ड्रेस वगैरह या इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आप, और वैसे मत कीजिए किसी को भाई 5 रुपए दिए 10 रुपए दिए, उस तरीके से मत दीजिए जैसे गली गली में आजकल आदत है। हाँ बिल्कुल, उनकी किस लिए आदत की, हम जैसे ही लोगों ने बनाई है, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी स्टडी में मदद कीजिए कि उनकी, क्यों कई बार क्या होता है ना कुछ उनकी मजबूरी भी होती है, उन्हें नहीं मिल पाता है कोई ऐसा गाइड करने वाला, कोई टीचर नहीं मिल पाता है, तो आप उस तरीके
तरीके से एक टीचर बन के, एक फ्रेंड बन के उनकी हेल्प कीजिए। और मैम आपसे कोई संपर्क करना चाहे हमारी वीडियो देख के तो आप उनसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर याद, अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहता है तो भिवानी में है आस्था स्पेशल स्कूल है, टिगराणा फाटक के पास, नेताजी नगर, नियर सिटी स्टेशन। और मेरा फोन नंबर है 99929-51504 99929-51504। चलो भाई वीडियो ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो है ऐसे ऐसे बच्चा का जो है अच्छे से सुधार हो सके। सुमन मैम भी जो है आपके सहयोग से जो है यहाँ तक पहुँचे और आगे तक जो है अच्छे से जो है इनकी परवरिश और जो इनका एजुकेशन का जो माहौल है अच्छे से बना पावे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और सहयोग करियो सुमन मैम का भी। यहीं पर अपनी वीडियो में विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।